हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज कार्यकारी परिषद की बैठक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुई। बैठक से पूर्व प्रदेश विश्वविद्यालय अधिकारी संघ और नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ ने कर्मचारी हित से जुड़ी अपनी विभिन्न लंबित पड़ी मांगों को लेकर कार्यकारी परिषद की बैठक में मांग पत्र प्रेषित किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ऑफिसर एसोसिएशन की अध्यक्ष सुदर्शना भंडारी और नॉन टीचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी मांगों को लेकर मीडिया के समक्ष बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर न किया गया तो कर्मचारी आंदोलन का रुख करेंगे। तो हमारी जो हम सरकार के साथ हैं और जो हमारी 10 AR की पोस्टों के लिए आज जो इसी में आइटम लगनी है, बड़े कड़े मेहनत के द्वारा हमने CM साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि इस काम को किया जाए, क्योंकि BJP की गवर्नमेंट में 3 साल से पोस्ट क्रिएट हुई थी पर राजनीति के कारण ये पोस्ट जो है भरी नहीं गई। आज हम सरकार का भी इन एडवांस धन्यवाद करना चाहेंगे। अगर हमारा ये काम हो जाता है तो हम सरकार के साथ हमेशा रहेंगे और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के हितों के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे। हमारी लगभग डिमांड 3-4 मुख्य डिमांडें हैं, जिसमें मूलतः प्रथम जो है हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, उन्हें जो है मिनिस्ट्री स्टाफ के तहत जो है उनके सचिवालय भत्ता देने का मामला है, जो कि इसी में एक मत संख्या के रूप में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे 10 AR के जो पद पिछली गवर्नमेंट में या पिछले वाइस चांसलर द्वारा जो है सीधी भर्ती से भरने का निर्णय किया था, उसका हमने लगातार विरोध किया था। 35 दिन हम धरने में रहे थे, आज हम उसमें कामयाब हुए कि वो कमेटी का गठन होकर उसकी रिकमेंडेशन आ गई है और वो इसी के माध्यम से FC में रेफर होनी है। उसके अलावा हमारे JIT के जो 57 पद है वो जो है कन्वर्शन होनी है, उनकी क्लर्क के पद जो है डाइंग कैडर होकर दिया हुआ, उसके कन्वर्शन होनी है JIT में। तो हमारे ऐसे मामले हैं जो कर्मचारियों हित में है, उसके लिए हमारे जो इसी मेंबर है राजकुमारी है, उनका सहयोग देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।